टाटा टाइगर भारत में सबसे कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कार है। इसकी कीमत 12.4 लाख रुपए है। ह्युंडई भी सस्ती इलेक्ट्रिक कार बनाने का प्रयास कर रही है। देश में सस्ती इलेक्ट्रिक कारों के उत्पादन की कवायद शुरू हो चुकी है। अहमदाबाद की एक कंपनी जेनिसॉल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिक कारों के निर्माण के लिए अमेरिका की एक स्टार्टअप का अधिग्रहण करने जा रही है। कंपनी ने यह भी खुलासा किया है कि वो ग्राहकों के लिए सिर्फ 6 लाख रुपए में इलेक्ट्रिक कार को बाजार में लाने की योजना पर काम कर रही है। यह अमेरिकी स्टार्टअप कंपनी जेनिसॉल को इलेक्ट्रिक कार बनाने में तकनीकी सहायता प्रदान करेगी। भारत में अब तक सबसे किफायती इलेक्ट्रिक कार 12 लाख रुपए में मिलने वाली टाटा टाइगर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जेनिसॉल एक सोलर पावर बिजनेस कंपनी है। कंपनी ने निवेशकों के साथ पिछले शुक्रवार को ये जानकारी साझा की कि वो अमेरिका के एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाले स्टार्टअप का अधिग्रहण करेगी, जो इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए सहायता करेगी। जेनिसॉल के मैनेजिंग डायरेक्टर अनमोल सिंह जग्गी के अनुसार भारत में सस्ती इलेक्ट्रिक कारों की आवश्यकता है। यहाँ 5 से 6 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कार होनी ही चाहिए। जग्गी ने कहा कि भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में बड़े परिवर्तन की जरूरत है और ये तभी संभव हो सकता है जब देश में इलेक्ट्रिक कारों की कीमत 5 लाख रुपए से कम हो। एनजी मोटर्स इंडिया ने भी जानकारी दी थी कि वो 10 से 12 लाख रुपए की इलेक्ट्रिक कार बाजार में उतारेगी। अगर वैश्विक स्थिति की बात करें तो $4,200 यानी लगभग 3.25 लाख रुपए की कीमत वाली चीन में बिकने वाली बोलिंग होंगाहुंग मिनी सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार है। अगर भारत में 5 से 6 लाख रुपए में लोगों को इलेक्ट्रिक कार मिलेगी तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को बड़ी खुशी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।